अभी की बड़ी खबर, मदरसा ध्वस्त के बाद उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा भड़की, राज्य सरकार ने गोली मारने के दिए आदेश। बताएंगे इस खबर को विस्तार से, मगर इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हल्द्वानी में अवैध मदरसे को ढाने के बाद हिंसा भड़क गई है। मदरसा तोड़ने के बाद स्थानीय लोगों द्वारा पथराव किया गया, वहीं वाहनों में आग भी लगा दी गई, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए आंसू गैस का छिड़काव किया। बनभूलपुरा क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए एक मदरसे और भूमिगत मस्जिद जैसी संरचना को ध्वस्त के बाद आज नैनीताल जिले के हल्द्वानी क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। अधिकारियों के अनुसार नैनीताल जिला प्रशासन और स्थानीय नागरिक अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने नाजुल भूमि पर ध्वस्त किया था, जिससे गुस्साए स्थानीय लोगों ने हिंसा प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिससे स्थिति तेजी से बिगड़ गई। पथराव में कुछ पुलिस अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी घायल हुए हैं। स्थिति पर काबू पाने के लिए जिला प्रशासन ने अशांत बनभूलपुरा इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है। वहां जाने वाली सभी सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। साथ ही राज्य सरकार के कानून परिवर्तन के अनियंत्रित तत्वों के खिलाफ घातक बल का उपयोग करना और यहां तक कि दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश भी जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बढ़ती स्थिति को समीक्षा के लिए एक आपातकाल बैठक बुलाई। बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अभिनव कुमार और ADG MP अंशुमान उपस्थित रहे। धामी ने कहा कि प्रशासन की कार्रवाई अदालत के आदेश के जवाब में थी, क्योंकि उन्होंने क्षेत्र में अतिक्रमण विरोध अभियान चलाया था। उन्होंने कहा कि वहां सामाजिक तत्वों ने पुलिस के साथ विवाद किया है, कुछ पुलिस कर्मियों और प्रशासन अधिकारियों को चोट आई है। पुलिस और केंद्रीय बल की अतिरिक्त कंपनियां वहां तेजी से भेजी जा रही हैं। हमने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। कर्फ्यू लगा हुआ है। आगाजाही करने वाले दंगाइयों और अतिक्रमणियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी प्रहाद मीना ने कहा कि मदरसे में तोड़फोड़ निवासी के पूर्व सूचना के बाद की गई। उन्होंने बताया कि नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, MDS प्रतिशोध वर्मा की मौजूदगी में तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। वहीं उत्तराखंड के DGP अनुभव कुमार ने कहा, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, कई पुलिस कर्मियों और प्रशासन के अधिकारियों को चोट आई है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी तक किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। आने वाले दिनों में घटना के पीछे के लोगों को पहचान लिया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंडिया न्यूज की खबर।